दुनिया भर में बढ़ते जलवायु संकट के बावजूद ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने के लिए होने वाले निवेश में गिरावट आई है। क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव सलाहकारों के मुताबिक 2018 में इसमें 11% की कमी आई है। 2017 में दुनिया में जहां ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी को लेकर $612 बिलियन का निवेश किया गया था, वहीं 2018 में ये घटकर $546 बिलियन हो गया। इसकी बड़ी वजह लो कार्बन ट्रांसपोर्ट और नवकरणीय ऊर्जा में निजी क्षेत्र का कम निवेश रहा। ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस 2019 के नाम से जारी इस रिपोर्ट में कहा गया कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने के लिए एनर्जी जनरेशन सिस्टम में व्यापक सुधार की जरूरत है। इसके लिए साल 2050 तक सालाना मौजूदा निवेश से 3 गुना अधिक पूंजी लगाने की जरूरत है।